वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलमान और मैं हूं अभी पर नागांव रेलवे स्टेशन पे। तो फिलहाल आप लोग कुछ इस तरीके से हाल देख लो, ये है नागांव रेलवे स्टेशन का हॉल और हमने टेंट यहां पे लगाया हुआ था, किसी से परमिशन भी नहीं लिया, ऐसे ही लगा दिया। तो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि पिछली वीडियो में कि कुछ क्लाइमेक्स छोड़ देते हैं इस वीडियो के लिए कि मैंने टेंट कहाँ पे लगाया था, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी यार। फिर ज्यादा लंबी वीडियो बनाने में मजा भी नहीं आता, लोग बोर हो जाते। ये सामने खिड़की है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। ये पूरा हॉल है, वहाँ पे बैठ के कल रात में पूरी वीडियो एडिट की थी, फिर वहाँ पे जाके सो गया। नागांव स्टेशन में अपने ज्यादा हालात बिगाड़ है, यहाँ पे ना तो पीने के लिए पानी है, ना तो मुंह हाथ धुलने के लिए पानी है। यहाँ पे ट्रेन चलती है सिर्फ दिन में दो बार, एक सुबह एक शाम, बाकी टाइम स्टेशन बंद और ट्रेन के आने से आधा घंटा पहले 15 मिनट पहले ये ओपन होता है काउंटर, और अभी पर काउंटर है क्लोज। ये इसके अंदर कोई भी नहीं है, ये सब बंद बेकार, यहाँ पे करंट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो कल मैंने मोबाइल चार्जिंग भी लगाने के लिए सोचा, लेकिन मोबाइल चार्ज भी नहीं हुआ अपना, क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं है, पानी नहीं है, बाथरूम टॉयलेट नहीं है, बाथरूम पूरा क्लोज है, यहाँ से इस तरीके से हाल है। और आज का सफर था दीमापुर जो 163 किलोमीटर है यहाँ से। तो चलो पहले चलते हैं अपना मुँह हाथ धुलते कहीं बंदोबस्त करके। तो अभी पे मैं लेके आ गया हूँ यार बिस्लेरी अल्ट्रा का है, मतलब बिस्लेरी मिनरल वाटर, इससे हम मुँह हाथ धुलेंगे, फ्रेश हो जाएंगे ताकि थोड़ा एनर्जी जैसा हो जाए। उसके बाद जब बाहर चलेंगे सिटी से बाहर, तो फिर अच्छी जगह देख के कहीं नहाएंगे, और वो वहाँ पे हमारा टेंट है, टेंट तो हम बाद में उठाएंगे, पहले हम फ्रेश हो लेते हैं। और ये एक ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और कुछ इधर भी अगर देख लो आप, अगर देखोगे तो यहाँ पे भी नागांव ये स्टेशन है और एक ही प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे लोग ही नहीं है। वैसे अगर सिटी की बात करें तो सिटी तो बहुत अच्छा है यार, लेकिन शायद मुझे लगता है कि एक और स्टेशन जरूर होगा यहाँ पे, क्योंकि इतने बड़े सिटी में तो इतना बेकार स्टेशन तो नहीं हो सकता, और स्टेशन होगा, मैंने सर्च नहीं किया। तो अभी के बज चुके हैं 9:30, तो अभी निकल चुके हैं बाहर स्टेशन से, अब चल रहे हैं थोड़ा हाईवे की तरफ, क्योंकि हमको यहाँ से चलना है सिटी से। सिटी में दिक्कत आ जाती है ना, यहाँ पे नहाने में प्रॉब्लम, रुकने में प्रॉब्लम, स्टेशन था इसलिए दिक्कत नहीं हुआ। स्टेशन मेरे हिसाब से रुकने के लिए तो सही था, लेकिन वो बाकी चीज़ों के लिए बेकार था। तो यहाँ पे दो स्टेशन और है, एक है हाइबर गांव करके, यहाँ से 3 किलोमीटर है, और दूसरा जो एक और स्टेशन है उसका नाम है पता नहीं, सोना कुछ इस कुछ करके नाम है, वो 6-7 किलोमीटर यहाँ से पड़ जाएगा। यहाँ पे टोटल तीन स्टेशन है नागांव में, यहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं। नागांव की जो पॉपुलेशन है ना वो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोग के हिसाब से यहाँ पे पॉपुलेशन है। 2011 में तो यहाँ पे 15 लाख थे, लेकिन अभी 2022 में डबल हो गए हैं 30 लाख। और असम में इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि यहाँ पे बाढ़ आ गया है। बाढ़ आने से बहुत से रास्ते बंद हो गए हैं, जो नागालैंड की तरफ जाते हैं या तो दूसरे स्टेट की तरफ जाते हैं वहाँ के ट्रेनें रद्द हो गई हैं। तो अभी के बज चुके हैं 9:59, आप लोग देख सकते हो, और यहाँ का माहौल ऐसा है कि कोई आदमी नहीं सड़क पे, और इधर पूरा पानी पानी भरा है, इस तरफ भी देखो बहुत कम है। तो सुबह सुबह व्लॉगिंग करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता यार, क्योंकि जब सुबह उठो नहाओ धो बिना फ्रेश ना हो तो थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता व्लॉगिंग करने में। तो अभी मैं जगह ही ढूंढ रहा हूँ, पानी तो बहुत भरे हुए हैं लेकिन यहाँ नहा नहीं सकते, पानी गंदे हैं। यहाँ पे देखो बज चुके हैं पूरे 11, और अभी भी हाईवे नेशनल हाईवे 27 पहुँचने के लिए 400 मीटर दूर पहुँचने के लिए बाकी है। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा छोटी लिफ्ट ले लेते हैं 3-4 किलोमीटर की, मोटरसाइकिल वाले यहाँ पे कोई लोकल रोक देगा, लेकिन कोई रोका ही नहीं यार। सभी का एक रीज़न है, हेलमेट नहीं है। हेलमेट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, क्योंकि हमने हेलमेट नहीं लगा के रखा है, और जो गाड़ी वाले होते हैं वो उनके पास तो एक ही हेलमेट रहता है, तो इसके लिए ही वो लोग नहीं रोकते यार, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं ना चालान काटते हैं। चालान मतलब कि आप लोग समझ सकते हो ना, क्या बोलते हैं, फाइन पड़ जाता है अगर हेलमेट लगा के आप सिटी में गाड़ी नहीं चलाते तो। और सामने देखो, सामने है 5 किलोमीटर गुवाहाटी, 122 किलोमीटर। तो गुवाहाटी तो मुझे जाना नहीं है, 122 किलोमीटर है यहाँ से, मुझे जाना है दीमापुर जो है 150 किलोमीटर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स फॉर विजिटिंग नागांव नाइट क्लब, और ये बात दिखा रहा है डाबो का सीधा जागी रोड किधर जा रहा है, ये लिफ्ट रहा है, ये सर्कल बता रहे हैं। पहले तो खाना खाते हैं और एटीएम ढूंढते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ बचे 150 रुपीज़, और अगर वो कहीं भी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कहाँ पता एटीएम कहीं मिले या ना मिले, और मेरा पैसा गूगल पे में भी पैसे खत्म हो चुके हैं। सिटी के अंदर लिफ्ट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो भी हेलमेट की वजह से। अपलोड कर देना, मैंने एक थोड़ा सा बना दिया ये व्लॉग। तो ये गाइस अभी मैं बैठा था और बैठे बैठे खाना पीना सभी हो गया अपना, और फिलहाल अभी के बज चुके हैं 12:15, तो अभी तो बहुत टाइम है। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट होटल था वहाँ पे दूर पे जाके, लेकिन हमने वहाँ से नहीं किया ना यार, क्योंकि वहाँ पे पता है एसी रेस्टोरेंट था, तो एसी रेस्टोरेंट में अगर आप खाना पीना खाते हो तो 10 की रोटी 50 की मिलेगी आपको, क्योंकि एसी में बैठने की, तो मुझे एसी में तो बैठना नहीं है। तो मैंने यहाँ से ढाबे से खा लिया खाना, यहाँ पे पराठे और आलू भाजी, मतलब इसी तरीके से
₹20 के पराठे एक मिल गए, मतलब 3-4 पराठा खा लिए, हो गया 50-60 का खाना। ये हमारा है बैग और मौसम भी बहुत बेकार हो चुका है यार। चलो देखते हैं यार 160 किलोमीटर की लिफ्ट कितनी देर में मिलता है, हो सकता है क्या पता डायरेक्ट भी मिल जाए। अगर डायरेक्ट मिल जाए तो और अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, वो भी हम क्लियर कर ही लेंगे। मैं तो लगा रहा हूँ मैप, 158 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है और 3 घंटा 13 मिनट अगर हम फोर व्हीलर से जाएंगे तो, फोर व्हीलर से लिफ्ट मिली तो। लिफ्ट प्लीज़ भारत यात्रा, कौन लिफ्ट देगा यहाँ से हमको। ये है 4 लेन हाईवे जो जाएगा दीमापुर, यही रास्ते से जाएंगे दीमापुर। देखते हैं आज का टॉपिक यही रहेगा, सिर्फ हिचकिंग। सिटी से बाहर होते होते मुझे तो टाइम लग गया, पूरा टाइम तो ऐसे चला गया क्योंकि लिफ्ट ही कोई नहीं दिया और हम लोग हिचकिंग करते हैं। छोड़ दो भैया, नहीं रोका यार, चलो आते रहेंगे गाड़ी, हम लिफ्ट मांगते रहेंगे, कोई ना कोई रोकेगा, जो रोकेगा उसके साथ निकल चलेंगे। तीन घंटे का रास्ता है टोटल, 1 बजने वाले हैं, 2, 3, 4 बजे तक पहुंच जाएंगे अगर डायरेक्ट हम चलें तो। गाड़ी वाले आजा भैया। यह मुंबई, यह मुंबई मेरी जान, सॉरी यह असम मेरी जान। नहीं आ रहा है कोई गाड़ी, नहीं आ रहा है तो यार अभी तक लिफ्ट नहीं मिली है और पता नहीं आज मेरा मन भी नहीं कर रहा है यार व्लॉगिंग करने का।